हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकंड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यह फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर कंपटीशन लेवल में, सपोज आप नीट कह सकते हो, नीट में 100% यहाँ से टू मार्क्स, टू क्वेश्चन आते हैं। मेंस में कह सकते हो, यहाँ से मेंस में भी टू क्वेश्चन आते हैं। इसका फिजिकल केमिस्ट्री में एक अच्छा खासा वेटेज होता है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। यानी कि हम इस चैप्टर में किसके साथ डील करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पर हम इस चैप्टर में एटम की स्ट्रक्चर से डील करेंगे, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में एटम की स्ट्रक्चर है क्या, तो हम कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डील करता है। हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो जो स्ट्रक्चर के एटम्स के साथ डील करे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे लेते हैं, यानी कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्चुअल में हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हम यहां पर पढ़ने में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने एटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले थ्योरी किसने दी, डाल्टन्स ने दी। डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी आपने 9th क्लास 10th में भी पढ़ी होगी और आज भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जब डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई, डाल्टन्स ने किस पर फोकस किया था, एटम्स क्या है आपका, स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअली पार्टिकल है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एटम्स में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल भी डिस्कवर हुआ, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिससे डाल्टन्स की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो चुकी थी। अब हम उसके बाद बात करेंगे एक्चुअल में जो फंडामेंटल पार्टिकल थे उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी और उन डिस्कवरी को करने के लिए साइंटिस्टों ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, उसकी भी हम बात करेंगे। जिस फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या क्या आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, हम उसकी बात करने वाले हैं। लेकिन जब आपके फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गए, अब साइंटिस्टों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एटम में इनका एक्चुअली प्लेस होता कहाँ है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब वो एटम्स के अंदर होंगे, लेकिन एक्चुअल में इन एटम्स का, यानी कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का एटम्स में प्लेस क्या है, इसके लिए कई साइंटिस्टों ने एटॉमिक मॉडल बनाए और जो कि कई सारे फेल भी हुए। एटम्स की स्ट्रक्चर, यानी कि इन फंडामेंटल पार्टिकल का एटम्स में प्लेस फिक्स करने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ क्या बनाए, एटॉमिक मॉडल बनाए। हम इसके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। कई सारे साइंटिस्टों ने अपने एटॉमिक मॉडल दिए, जैसा सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया जे थॉमसन ने दिया। सेकेंड जो मॉडल आया, ये अगर जेम्स थॉमसन का मॉडल फेल हो गया तो नेक्स्ट मॉडल आया वो आया था रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ फिर आपका बोर्स मॉडल आया था। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉडल होगा बोर्स मॉडल होगा, ये बोर्स मॉडल 50% चैप्टर को कवर करता है। तो यानी कि जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होने वाला है चैप्टर में वो क्या होगा, बोर्स मॉडल होगा। यानी कि ये आधे से ज्यादा चैप्टर को पूरा जनरेट करेगा, आधे से ज्यादा चैप्टर को कौन लेके जाएगा, बोर्स मॉडल। बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आया दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल।
यानी कि ये जो आपका वे मैकेनिकल मॉडल है वो एक्सेप्टेबल मॉडल है। अब आज जो एक्सेप्टेबल एटम्स का मॉडल है वो किसके बेसिस पर है, वे मैकेनिकल मॉडल्स के बेसिस पर है। जैसे आपका रदर जे थॉमसन का मॉडल फेल हुआ तो रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ तो बोर्स का मॉडल आया, और बोर्स का मॉडल आया फेल होने के बाद कौन सा आया, वे मैकेनिकल मॉडल, जो आज की डेट में एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसके बाद अभी तक कोई भी एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी नहीं हुई है। देखो जैसे जैसे एटॉमिक मॉडल फेल होते गए, जेजे का मॉडल फेल हुआ थॉमसन का मॉडल आया, थॉमसन का मॉडल फेल हुआ रदरफोर्ड का आया, सॉरी बोर्स का आया, बोर्स का फेल हुआ वेव मैकेनिकल मॉडल आया। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे जैसे सॉरी वेव मैकेनिकल है ये तो क्या, जैसे जैसे ये मॉडल फेल होते गए उस दौरान कुछ थ्योरी नई नई थ्योरी भी डिस्कवर होती गई। अब हम बात करेंगे उस दौरान क्या हुई, कुछ न्यू थ्योरी डिस्कवर हुई, उन थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी कुछ डिस्कवर हो गई मिड पीरियड टाइम ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट यानी कि जो थ्योरी डिस्कवर हुई थी उनकी बात कर ले हम। फर्स्ट जो हुई थी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का कैसा होता है भाई, ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का नेचर पार्टिकल वाला भी होता है, वेव मैकेनिक यानी कि वेव नेचर भी होता है। तो उसके मिड में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट डिस्कवर हुआ। उसके बाद मिड में एक थ्योरी और डिस्कवर हुई, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिड में एक थ्योरी और जनरेट हुई, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो थर्ड थ्योरी डिस्कवर हुई दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और सब ये आपको थ्योरी पढ़ने वाली है, ये भी आपको थ्योरी पढ़नी है। यहां तक ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम जो फिफ्थ नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब जब आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि एटॉम पूरी तरह से डिस्कवर हो गया, उसका प्लेस पता पड़ गया, उसके बाद अब आपको नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें जो पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। क्वांटम नंबर क्या बताते हैं हमें, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्चुअल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका लोकेशन है क्या। जैसे मैं आपका लोकेशन पूछता हूं तो आप अंतरराष्ट्रीय में अपना लोकेशन क्या बताओगे, फर्स्ट बताओगे इंडिया। कंट्री क्या है, इंडिया। स्टेट क्या है, यूपी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, अलीगढ़। और आपका जो यानी कि ये जो आपका प्लेस होगा वो क्या होगा, जगतारी होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लोकेशन में हम फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे उसका सेल नंबर क्या है, एन का मतलब उसका सेल नंबर। सेल में उसका सेल सब सेल नंबर कौन सा है, और उस सब सेल में उसका ऑर्बिटल कौन सा है, और ऑर्बिटल वो कहां प्लेस है, ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कल पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एटॉमिक्स यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। और जब फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हो जाएगी तो साइंटिस्टों ने एटम्स को प्लेस करने के लिए अपने कई सारे मॉडल्स दिए, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स, जेजे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल, और जो आज के टाइम में एक्सेप्टेबल मॉडल है दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल। लेकिन इनके मिथ्स में जैसे जेजे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड हुआ तो बोर्स मॉडल आया, तो उसके मिड में कुछ थ्योरी भी आती नहीं, उन थ्योरी को भी पढ़ेंगे। दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के ड्यूअल नेचर होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या बताता है, आपको लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। और ये क्वांटम नंबर हमारे फोर टाइप के होते हैं, एन एल एम एस। जहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इस तरह से हम चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो अगर थ्योरी फेल हो रही है तो हम इनको पढ़ते क्यों, फेलियर थ्योरी को हम डायरेक्ट एक्सपर्ट यानी कि एक्सेप्टेबल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ लेते, यानी कि जो एक्चुअल में कंक्लूजन है वो क्यों नहीं पढ़ लेते। तो मोस्टली आपके दिमाग में आता है इतनी सारी थ्योरियों में जितनी फेल हो चुकी है पढ़ाते क्यों भाई, हम डायरेक्ट ये वेव मैकेनिकल थ्योरी पढ़ा दो, डायरेक्ट ये सब चीज पढ़ा दो, न्यू थ्योरी पढ़ा दो, यानी कि जो आपको एक्चुअल में एटम्स का जो मॉडल है जो फाइनल मॉडल उसको ही पढ़ा दो, ये सब कुछ पढ़ाने की जरूरत है क्या। एक चीज समझो, जब तक आप इनके फेलियर्स को नहीं पढ़ोगे तो आप इनका मींस नहीं जान पाओगे, किस तरह से ये प्रोसेस हुई है, और इसके प्रोसेस को समझ नहीं पाओगे तो एक्चुअल में आपको एटम्स की फीलिंग आने वाली नहीं है। एक्चुअल में एटम्स की स्ट्रक्चर किस तरह से जनरेट हुई वो सब आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको सभी मॉडल्स को, जो आपका फेलियर मॉडल हो चाहे आपका एक्सेप्टेबल मॉडल हो, सबको ध्यान से पढ़ना है, और हम वन बाय वन इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज हम
पहला मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स क्या था भाई? डाल्टन्स ने सबसे पहले एटम्स के बारे में अटेम्प्ट किया था। तो फर्स्ट सबसे पहले हम जो बात करेंगे दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे। और डाल्टन्स ने सबसे पहला अटेम्प्ट एटम्स के बारे में किया था, और उन्होंने 1808 में अटेम्प्ट दिया था। और एक्चुअल में उन्होंने क्या थ्योरी दी थी उसकी बात करते हैं। इनके पॉइंट्स क्या थे उनको हम पढ़ेंगे। इन्होंने देखो जो इनका इनकी जो थ्योरी थी उनका जो मेन फोकस था वो था एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअली पार्टिकल। सबसे पहले इन्होंने जो इनका जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एटम्स के इंडिविजुअलिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एटम एक अकेला पार्टिकल और सबसे छोटा पार्टिकल है। इसके ऊपर उन्होंने पूरी थ्योरी को क्या किया है? परफॉर्म किया है। तो समझते हैं इस डाल्टन थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट था इनका एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम्स क्या है? एक स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअली पार्टिकल था। ये बात आपकी बिल्कुल उनका मॉडल था। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअली पार्टिकल है, यानी कि इनको आप सब पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट था इनका एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, यानी के सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सेम होंगे एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट हैव डिफरेंट, यानी कि जो अगर आपका एक ही एलिमेंट है तो उसके एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे। थर्ड इनका जो पॉइंट था वो था एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड इन सिंपल रेशियो। जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं भाई, यानी कि ऐसे हम बात करने लगे H2O, यहां पर हाइड्रोजन का एटम्स क्या है 2, ऑक्सीजन का एटम क्या है 1, तो कितने किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 2:1, यानी कि ये क्या है? सब सिंपल रेशियो है। अभी तक आपने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े हैं वो सब किसमें पढ़े हैं? सिंपल रेशियो में। जैसे आप कोई भी फॉर्मूला बना दो, जैसे हम बात करने लगे मीथेन की, तो यहां पर कार्बन का एटम क्या है 1, ऑक्सीजन के एटम क्या है 4, तो किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं भाई? 1:4 में कंबाइन हो रहे हैं। तो इनका ये थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ इनका जो पॉइंट था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड, ना ही एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे डेस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। लेकिन ये जो एटम्स का यानी कि जो डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल था वो पूरी तरह से फेल हो गया था, जिसके यानी इसके जितने भी पॉइंट थे वो सभी तरह से फेल हो गए थे। हम देखते हैं इन पॉइंट्स का एक्चुअल में फेलियर क्या था, उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो पॉइंट था उन्होंने कहा था एटम क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअली पार्टिकल है। लेकिन जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो इस अब क्या ये आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल रह गया है? इसके सब फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं। वो क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे ही सब फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो इसका जो आपका पहला पॉइंट था वो क्या हो गया? पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि एटम्स इंडिविजुअली पार्टिकल नहीं है, उसमें सब फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी वजह से इसका जो पहला पॉइंट था वो पूरी तरह से गलत हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का क्या ड्रॉबैक है। वो कह रहा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर कंबाइन, सॉरी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट। अगर हम बात करें, आपने आइसोटॉप्स का नाम सुना है या नहीं सुना? अभी आइसोटॉप्स का नाम तो सुना होगा। अब आपको पता है कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं भैया? अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C12, C13, C14। अगर हम बात करें देखो
एक ही एलिमेंट है आपका, एक कार्बन एलिमेंट है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट एटम हो गए या नहीं हो गए? C12 हो गया, ये C13 हो गया, ये C14 हो गया। आपने देखा होंगे हाइड्रोजन का क्या होता है, H1 H2 H3, प्रोटियम ड्यूटियम दैट इज ट्राइटियम। यानी कि ये हाइड्रोजन के क्या होगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट एटम हो गए। हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या हो गए सभी डिफरेंट हो गए। तो इस तरह से जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई, जब हमको आइसोटॉप्स पता पड़ गए, तो उसका सेकंड जो आपका पॉइंट था वो भी पूरी तरह से फेल हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सेकंड पॉइंट क्यों फेल हुआ है, क्योंकि एटम्स के कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाए। तो आप देख रहे हो ये जो तीनों कार्बन है सेम एलिमेंट के बने हुए हैं लेकिन इनके जो एटम्स हैं वो क्या हो गए हैं, अब डिफरेंट हो चुके हैं। एक C13 है, एक C12 है और एक C क्या है 14। इस तरह से हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करें, एक H1 है, एक H2 है, एक H क्या है 3 है। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो। यानी कि जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि हम बात करें, मैंने आपको बता चुका हूं, ऐसे CH4 की बात करें, कार्बन का एटम कितना है 1 और हाइड्रोजन का एटम कितना है 4, तो ये 1:4 में कंबाइन है। लेकिन ये मॉडल भी, ये जो पॉइंट है वो भी पूरी तरह से फेल हो गया। जैसे आपकी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जैसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, कुछ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड फाइंड हुए, उसके बाद ये लॉबी फेल हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते क्या है, हम उसकी बात करेंगे। सपोज दैट आपको पता है आयरन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं भाई, 2 होते हैं। आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो किस रेशियो में करेगा भाई, इसका चार्ज होता है +2, इसका होता है -2, तो ये क्या करेगा 1:1 यानी कि FeO बनाएगा। अगर हम बात करें Fe के 2 ऑक्सीडेशन यानी कि 2 वैलेंसी की और ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगी -2, तो किस रेशियो में कंबाइन होंगे 1:1 यानी कि आपका बनना क्या चाहिए FeO बनना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड डिस्कवर हो गए जैसे Fe0.98O, ये क्या हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब बताओ Fe का और O का रेशियो क्या देखोगे आप, बताओ इनका रेशियो होगा 0.98:1। क्या ये रेशियो सिंपल रेशियो है, नहीं है भाई। कुछ इस तरह के कंपाउंड भी डिस्कवर हो गए जिन्हें हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और इन कंपाउंड की स्टडी आप क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में करोगे। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऐसे कंपाउंड है जो सिंपल रेशियो में बिलोंग नहीं करते, जो सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आयरन का 98% है, ऑक्सीजन का कितना है 100%। जैसे ही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई, कुछ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड फाइंड हुए, तो जो आपका थर्ड पॉइंट था वो भी क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया। आपको यहां तक ये बात सब समझ में आ गई होंगी। अब इसका जो फोर्थ मॉडल है हम उसको देखते हैं, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट और डेस्ट्रॉय। एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन अगर हम रेडियो एक्टिव टेक्निक से एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उन्हें डेस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव टेक्निक से हम एटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और डेस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको डाल्टन का एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया होगा और उसके क्या क्या ड्रॉबैक थे, और इसका जो जितने भी पॉइंट थे उनके क्या क्या ड्रॉबैक थे वो सब आपको समझ में आ गए होंगे।